यहाँ पे से आपको आगे पहाड़ों पे चढ़ना है। दोस्तों ट्रैफिक पूरा जाम है, खुद कितना भुखड़ की तरह खा रहे हैं। आज उसका फास्ट है, फासान जंगल कितने बर्बाद करते हैं ये देखिए। साइकिल लेके वैष्णो देवी जा रहे हैं, अब कहाँ से आ कहाँ से, क्योंकि पानी रास्ते के ऊपर से जा रहा है। फाइनली काजू की गोड़ पापड़ी रेडी है, यानी कि रनकपुर से हम लोग निकल चुके हैं। करीबन 3 दिन से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। सागर ये रोड, ये गुरु नानक जी का लंगर चल रहा है यहाँ पे। So, दोस्तों हमारी दोनों ही गाड़ियाँ यहाँ से निकलने के लिए रेडी है, गुच्छू कपल ट्रैवलर, घूमना फिरना। तो हमारी ट्रिप का आज 5 या 6 दिन है, पता नहीं है मुझे कौन सा दिन है, लेकिन अब हम लोग यहाँ से निकल चुके और बढ़ रहे आगे की ओर। कल प्रशासन और बारिश की वजह से रास्ते बंद थे तो हमें मजबूरन होटल लेके रुकना पड़ा, बारिश इतनी थी। लेकिन आज मौसम खुल चुका है तो देखते हैं कहां तक रोड खुला हुआ है, कहां तक लोकेशन मिलती है, आज कैंपिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सो दोस्तों अभी हम जहां पे रुके थे टनकपुर, टनकपुर से आगे बढ़े तो ये पूरा यहाँ पे से आपको आगे पहाड़ों पे चढ़ना है। बट अभी क्या है कि बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग और इतना हो चुका है, इसीलिए ऊपर पहाड़ों पे जाने का रास्ता पूरा बंद है। तो अभी देखते हैं कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा ये ट्रक की भी इतनी लाइन लग चुकी है और इस तरह फोर व्हील वगैरह की है। तो अभी कहाँ तक हम जा पाए वो तो अभी पता नहीं। देखिए गाइस, पतिदेव हर वक्त मेरे खाने की वीडियो बनाते रहते हैं और अब ये देखिए खुद कितना भुखड़ की तरह खा रहे हैं। आज कुछ ज्यादा नहीं हो गया, फास्ट फास्ट बोल के ये पूरा पैकेट वेफर का खा जाते हैं। देखिए दोस्तों ट्रैफिक पूरा जाम है क्योंकि ऊपर तो रास्ता बंद है, करीबन 1-2 घंटे लगेंगे ऐसे कह रहे है। तो चलो देखते है कि क्या होगा। दोस्तों ये देखिए हम कितने पेड़ काट देते है, हम इंसान जंगल कितने बर्बाद करते हैं ये देखिए। इसीलिए हम इंसानों को कहीं रहने लायक जगह ही नहीं मिलती, हम कितना नेचर बर्बाद करते हैं देखिए। So, दोस्तों ये देखिए ये रास्ता बंद है क्योंकि पानी रास्ते के ऊपर से जा रहा है और ये बहाव इतना तेज है। खैर यहाँ के लोकल लोग तो चल के आ रहे हैं लेकिन हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। स्वागत है और हम आ गए बड़ी अच्छी लोकेशन पर। हम टनकपुर से करीबन 5 किलोमीटर ही दूर आए, यहाँ पे पूर्णिमा के मंदिर के पहले एक नदी निकलती है तो नदी के पास ही हमने यहाँ पे अपनी कार को पार्क कर दिया है और आज का खाना यहाँ पे बनाएंगे। फिर सोचते हैं कि यहाँ से आगे किस तरफ बढ़ा जाए। आप देखिए ये हमारी गाड़ी है और ये नदी के पास क्या लोकेशन है, बढ़िया। क्या बनाने वाले? सुखड़ी। मतलब धूप इतनी तेज लग रही है ना, देखते हैं। क्योंकि आप अगर देखो ना वहाँ पहाड़ों में देखो क्या मौसम हो चुका है और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है और काजू ने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे काजू ने सब कुछ सुखड़ी के लिए तैयारियाँ हो चुकी है हमारी और यहाँ पे अभी लोट को धीरे धीरे काजू सेक रही है घी के आंच में। देखिए तो काजू क्या मजा आ रहा है ना ऐसी लोकेशन पे। आप बताओ सुगंध आ रही है कि नहीं आ रही? बढ़िया आ रही है दोस्तों। एक बार मतलब ये जो जगह है ना, मतलब
हमने इस तरह ढूंढी कि यहाँ से निकल रहे थे आराम से, पीछे दिखा कि नदी निकल रही है और यहाँ से हम जा रहे थे तो हम रोड भी पार नहीं कर पाए। और ये देखिए, अब देखिए एक बार ये पहाड़ देखिए, क्या सुंदर पहाड़ है। और यहाँ पे इस तरह आपकी कार को करो पार और खूब एंजॉय करो। दोस्तों ये जो कद्दू की सब्जी है ना, मैंने सुना बहुत है पर देखा आज के कद्दू खाया भी जाता है। हमको नहीं पता, गुजरात में बहुत कम बनता है इसीलिए, वहाँ पे तो आलू की सब्जी फेमस है तो कद्दू की नहीं है। और ये देखिए इनका पूरा सेटअप है, सब कुछ है और यहाँ पे आराम से बैठ के बनाते हैं। और ये अंकल है, आप तो वैसे पता है कुछ काम तो करते नहीं, ये वही अंकल है जो बदनाम है, वो यही अंकल है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, ये अंकल वही है जो बदनाम है। और यहाँ पे अभी हमारी सुखड़ी लगने वाली है फटाफट। दोस्तों आप सिर्फ देखिए कितना बेहतरीन मौसम हो चुका है। दोस्तों फाइनली काजू की गोड़ पापड़ी रेडी है, यानी कि सुखड़ी रेडी है। तो अभी हम लेते लंच का आनंद, क्योंकि बाजू में सब्जी बनी थी तो हमने सोचा कि कुछ मीठा बनाते हैं और अभी लंच करते हैं और मिलते हैं। फास्ट है, इसका फायदा उठा के ये लोगों अच्छी अच्छी खाना की चीज बना के खा रहे हैं, इनको पेट में दुखने वाला है, आप याद रखना। अब देखिए ये इन लोगों ने क्या बनाया, ये कद्दू की सब्जी है, फिर एक रायता, हाँ मिक्स वेज रायता, मसालेदार पूरियां। अब देखिए सब्जी की, सही बात, मतलब अकेले। और ये मेरी धर्म पत्नी है जो आज खाने के लिए मुझे छोड़ चुकी है। तो ये खाने का आनंद ले रहे हैं, मैं शूटिंग का आनंद ले रहा हूँ। बाकी आप देख रहे हैं मेरी हालत, खाने की वजह से मेरा पेट देखिए पूरा खाली हो गए। तो चलो मिलते हैं, हर हर महादेव। पहाड़ की लाइफ हम जैसा समझते हैं इतनी आसान नहीं है। देखिए वो नदी के बीच में से चल के उस और लकड़ी सब पड़ी थी वो लेके आए। देव जी अपनी ड्यूटी पे लग चुके हैं। हाय हैंडसम, कैसा लग रहा है काम करके, हीरो जैसा लुक कहाँ गया? हीरो की आज लगी पड़ी है काम करने में, क्योंकि धूप इतनी हो चुकी है, हमें जहाँ जाना था वहाँ हम जा नहीं पाए, लेकिन ये लोकेशन भी बहुत बढ़िया मिल गई। तो दोस्तों अभी खाना पीना हो गया और बच गए थे चार, तो हमने सोचा कि चलो ये भुट्टा पड़ा था तो भुट्टा को भी सेक लिया जाए। और यहाँ पे पास में हमारा किचन एक और खुला था तो सोचा अपना नहीं ओपन करते और यहाँ पे ही ना काम कर लेते। सो दोस्तों अभी के बजे चार, अभी तक हम यहाँ पे ट्रैफिक पे ही फंसे हुए हैं। बट हम तो कार लेके इस तरह सफर करते हैं जहाँ पे कुकिंग वगैरह सब कुछ हमारा साथ में लेके चलते हैं। बट यहाँ थोड़े से हम घूम रहे थे क्योंकि ये टाइम तो है, अभी कहाँ से कहाँ निकलना है। तो हमने देखा ये लोग, आप देखिए साइकिल लेके वैष्णो देवी जा रहे हैं। अब कहाँ से आ, कहाँ से रहे? बाराबंकी से आ रहे हैं, लखनऊ 50 किलोमीटर आगे मुबारकपुर बाराबंकी से पड़ता है, वहाँ से। तो हैदरगढ़ रोड, तो वैष्णो देवी आपका कितने दिन में पहुँचोगे? 17 दिन में पहुँच जाएंगे, इधर जाएंगे फिर हरिद्वार, फिर जाएंगे इधर शाकुम्भर देवी, फिर वहाँ निकलेंगे चंडीगढ़, पंचकूला, मनसा देवी, वहाँ फिर जाएंगे हिमाचल, नैना देवी। साइकिल लेके? हाँ। तो आपके पैर नहीं दुखते? तो बस माता जी की इच्छा है। और इसमें आप क्या क्या लेके चलते हैं? पूरा इंतजाम है, लेटने की व्यवस्था, खाने पीने की, सब का है। तो इसलिए हमने देखा कि वहाँ पे चूल्हा भी है आपके पास और ये साइकिल में तो बड़े ही। दोस्तों आप सिर्फ सोचिए, अगर आपके पास घूमने का जुनून हो ना और कहाँ पे भी निकलने का, तो आप निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कार नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी। आपका अभी तक का खर्चा कितना आया होगा? 4-5 हजार का ही अभी तक, हजार ही अभी तक, 1000 का ही खर्चा आया है। दोस्तों सही है।
देखो आपको सलाम है यार, आपको इतनी दूर साइकिल कटरा तक 5,000। अरे सही है यहाँ से कटरा भी जाओ। सवेरे से 10 बजे से लेके अभी शाम के 5 बजे अभी तक रोड तो क्लियर ही नहीं हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे ट्रक की लाइन है। तो अभी वापस हम कहीं और रूट पकड़ेंगे, शायद हल्द्वानी वाला रूट पकड़े और देखते हैं कि कहां तक पहुंच पाते। हमारे आगे अजय जी जा रहे हैं तो उनके पीछे पीछे अभी तो हमारी सवारी जा रही है। देखते हैं दोस्तों अभी क्या करेंगे, क्योंकि अभी दिमाग तो पूरा चलने का ही बंद हो गया, क्योंकि कुछ सोच के कुछ प्लानिंग करके आए थे। अभी करीबन 2 दिन तो हमारे पूरे खराब हो गए, क्योंकि यहाँ पे उमस ही इतनी है ना, तो कार के अंदर रुकना तो पागलपन हो गए, पूरी आलू की तरह पक जाएगी। एक बार काजू का मुंह देखे, काजू तेरा मुंह देखा तो एक बार देखे दोस्तों, इनका मुंह देखे तो दोस्तों यार अभी पता नहीं क्या करेंगे। तो चलो अभी तो आगे बढ़ते। सो फाइनली गाइस हम लोग अब इस जगह से टनकपुर ना टनकपुर से हम लोग निकल चुके हैं। करीबन 3 दिन से हम लोग यहाँ फंसे हुए थे। 2 दिन तो बारिश की वजह से हमें होटल में रुकना पड़ा। आज मौसम साफ हुआ था तो सोचा ऊपर मुंशियारी की तरफ जाएंगे। पहले जाना था चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, ये पूरा हमारा रूट था। लेकिन कहते हैं ना कि हम जैसा चाहते हैं सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो आज कुछ 3 दिन लगता है भगवान की मर्जी है ही नहीं कि हम उस ओर जाए, क्योंकि हम जब आज सुबह निकले ना तो भारी बारिश की वजह से वहाँ पे हुई है लैंडस्लाइड। तो सुबह 10 बजे से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे जाम में। तो शाम के अभी बज चुके हैं 5, तो 5 बजे तक अभी तक वो खुला ही नहीं है रास्ता। और बोल रहे हैं कि वो रास्ता बना रहे, मतलब प्रशासन इंस्टेंट रास्ता बना रहे। तो और एक ही रास्ता यहाँ से वहाँ ऊपर जाने का, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर और 2 दिन हम यहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब जा रहे हम हल्द्वानी को। अगर हल्द्वानी से आगे अगर हम जा सकते तो जा पाएंगे तो जाएंगे मुंशियारी, अदरवाइज कुछ और लोकेशन देख लेंगे और फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरह आपको पता है हम टनकपुर से जाने वाले हल्द्वानी, क्योंकि हमारा रूट पूरा चेंज हो गया, क्योंकि वहां तो रोड पूरा खतरनाक हो चुका था और रोड भी बंद था। तो अभी हम निकल रहे थे तभी हमने देखा नानक सागर ये रोड पे पड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाता है। और ये गांव में बड़ा ही अच्छा अभी तो फूल भरा हुआ है। तो दोस्तों नानक सागर डैम के पास यहाँ पे गुज्जू कपल ट्रैवलर का किचन ओपन हो चुका है। और क्योंकि यहाँ से ही हम निकल रहे थे रोड पे ही, और रोड से ही लग के ये पूरी डैम के पास एक अच्छी लोकेशन मिली। बज गए थे 5:30 से 6, तो हमने सोचा कि यार सिर इतना दर्द हो रहा है तो क्यों ना यहाँ पे चाय बनाई जाए और वो पी जाए। और मेरे हालत देख लीजिए, पूरा सिर इतना दर्द हो रहा है क्योंकि सवेरे से हम पूरे परेशान हो चुके थे। और टनकपुर से हम जहाँ पे हमें जाना था लोहाघाट की तरफ, तो रास्ता बंद था, सिर भी इतना दुख रहा था, अजमेरा फास्ट है तो भूख भी इतनी लगी थी, तो उसके हिसाब से सिर दुखने लगा था। तो यहाँ पे काजू ने कहा कि फटाफट आपको चाय पिला देती हूँ, और बाकी देखिए एक लोकेशन A1 मिल गई हमें। मिल जाती है, आप देखिए डैम के लग के ऐसी दिल को आनंद मिले ना, ऐसी जगह मिल जाती है। और ऐसी जगह पे आपको चाय का ठेला भी आसपास नहीं नजर आएगा। अब देखिए मेरे पीछे कहाँ पे भी आपको एक भी ठेला नहीं नजर आएगा। तो यहाँ ही गाड़ी लगा दी, पास में ही आप चाय बनाओ, खाना बनाओ, आराम से खा के मजे करो, अब और चाहे क्या जिंदगी में सही है। तो एक बार देखिए क्या गजब का शॉट आ रहा है, मतलब ऊपर सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं, यहाँ पे गुज्जू कपल ट्रैवलर का किचन खुला है, और ये भाई साहब को देखने की उत्सुकता इसलिए देख रहे हैं।
पास में आ चुकी है मैं आराम से। दोस्तों नानक सागर डैम से आगे गुरुद्वारा है पूरा, तो देख सोचा कि यहाँ तक आए तो वहाँ तक भी जाके दर्शन करते हैं, आगे अगर कैमरा अलाउ होगा तो ही आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं गुरु नानक जी का लंगर चल रहा है यहाँ पे, 24 घंटे चलता है, कोई भी टाइम आओ यहाँ पे आपको खाना पीना मिल जाएगा, और यहाँ पे ही आपको गुरुद्वारा की रूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा अच्छे रेट में। अगर आपको एसी रूम चाहिए 500 रुपये लगेगी, और नॉन एसी के तो मैंने पूछे नहीं, बट उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं है। अगर एसी वाले लोगे आपको तो अटैच टॉयलेट बाथरूम सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी खाना पीना सब कुछ यहाँ पे रहता है। कभी भी आओ आप इस तरह, मतलब कोई आपको जगह ना मिले या इस तरह हो तो यहाँ पे आप आराम से रह सकते हो।